हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज टू और तीसरे सप्ताह की कार्य योजना जारी हो चुकी है। आइए देखें कि हमें तीसरे सप्ताह यानी कल यानी मंडे से क्या करना है, क्या बच्चों को पढ़ाना है और उनको कौन सा पाठ पढ़ाना है। या जो है तृतीय सप्ताह की योजना है 5 अक्टूबर 2020 से लेकर 7 अक्टूबर 2020 तक कक्षा एक के लिए। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कक्षा एक के लिए हिंदी तृतीय सप्ताह सोमवार। आज कक्षा एक में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरों का पाठ 6 वर्णमाला गीत का झा या पेज 25 से 26 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की ठोस समझ बनाने के लिए आपके साथ एक वीडियो भी दी जा रही है। वीडियो में दी गई विधि के अनुसार अध्यापक अभिभावक बच्चों को पढ़ाएं और हर अक्षर के सही पहचान वाचन और लेखन पर ध्यान दें। अक्षरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए बच्चों को उस अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को गिनने को कहें। यदि बच्चे संकोच करें तो उदाहरण देकर उनकी मदद करें। फिर ये लिंक दी गई है, इस लिंक का प्रयोग आप कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए। फिर दे रहा है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कक्षा एक के लिए गणित तीसरा सप्ताह सोमवार। आज हम लंबाई मोटाई और ऊंचाई की समझ बनाना सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इसे पढ़ने के लिए एक शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियां सामग्री बताई गई हैं। इस गतिविधि को बच्चों के परिवेश के अनुसार बदलें और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। इस अवधारणा को बच्चे को और अच्छे से समझाने के लिए इस वीडियो को दिखाएँ। इसके बाद कार्य पुस्तक में दी गए पार्ट 2 का अभ्यास पत्र पूर्ण कराएं। यहाँ भी एक लिंक दी गई है, आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर गणित शिक्षण पत्र दिया गया है। शिक्षण उद्देश्य लंबाई मोटाई ऊंचाई की समझ बनाना, अधिगम प्रतिफल, बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना जैसे दूर पास लंबा छोटा पहले बाद आदि और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत करना। फिर आता है प्रेरणा सूची के आधार पर संसाधन, चार्ट प्रवेश से वस्तुएं, शिक्षण विधा मूर्त से अमूर्त की ओर, आवश्यक पूर्व ज्ञान, अपने प्रवेश की वस्तुओं को पहचानना, नए शब्द लंबाई मोटाई ऊंचाई, सामान्य भूल, बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के लंबाई मोटाई ऊंचाई का उपयोग करते हैं। गतिविधि नंबर 1, लंबाई मोटाई व ऊंचाई के संदर्भ पर कहानी द्वारा चर्चा, समय 15 मिनट। शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाएगा, बच्चों के सामने एक समस्या को रखेगा और बच्चों को संभावित हल तलाशने के लिए कहा जाएगा। जैसे कविता और रुखसाना दो दोस्त हैं, एक दिन उन्होंने दूर आम के बाग से आम तोड़ने की सोची। दोनों अपने छोटे छोटे पैरों से बाग की ओर चल पड़ी, रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते दोनों बाग में आम के पेड़ के पास पहुँची, पेड़ से पके आम तोड़कर खाने की सोची। मोटे आम बहुत दूर थे, उन्होंने आसपास देखा तो एक जो है छड़ी दिखाई दी। कविता रुखसाना से लंबी और रुखसाना मोटी है और उनके पास आम तोड़ने के लिए छड़ी भी है, किसके पास ज़्यादा संभावना है कि आम तोड़ने की। बच्चों को यह कहानी पूरी करनी है, कविता लंबी है तो वो छड़ी से आम आसानी से तोड़ सकती है, आम खाकर और कुछ लेकर कविता और रुखसाना घर वापस आ जाएंगी। फिर दूसरी गतिविधि है, शिक्षक बच्चों से चार्ट पर आधारित सवाल करेगा। शिक्षक अपने परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों के साथ लंबाई व ऊंचाई पर संवाद करें। जैसे कक्षा में सबसे ऊंचा कौन है, सबसे कौन सा पेड़ सबसे लंबा इत्यादि। एक चित्र में बच्चा जमीन पर बेंच पर खड़ा है, इस संदर्भ पर विशेष बात करें। क्या बच्चों को यहाँ सबसे लंबे को तय करने में दिक्कत हुई। यहीं से समझाने की आवश्यकता है कि सबसे लंबा बताने के लिए सभी का एक तल में खड़ा होना सुविधाजनक होता है। सबसे ज़्यादा भारी वाले आखिरी संदर्भ में बच्चे के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, पर बच्चों से ये ज़रूर पूछा जाए कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वे अपनी बात को साबित कर सकते हैं। कुछ चीज़ें दिखाने में ज़्यादा बड़ी होती हैं पर हल्की होती हैं, जैसे रुई। ऐसे और उदाहरण भी बच्चों के साथ साझा करें। और विशेष है कहानी में आए शब्द जैसे लंबा लंबी मोटी मोटे पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। फिर आगे है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कक्षा एक के लिए हिंदी तृतीय सप्ताह बुधवार। आज कक्षा एक में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र हिंदी में चित्र पर चर्चा करेंगे। आपके साथ मेले का चित्र साझा किया जा रहा है।
बच्चों को मेले के ऊपर बातचीत के लिए प्रोत्साहित करें। यदि बच्चे खुद से बात ना शुरू करें तो आप कुछ पंक्तियों से बातचीत शुरू करें। मेले में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मेले के अंदर किस प्रकार का खाना मिलता है, इत्यादि प्रश्नों से आप बात शुरू कर सकते हैं। इस चर्चा को किस प्रकार आगे बढ़ाएं, इसे समझने के लिए दी गई वीडियो को देखें। और यहाँ पर देखिए मित्रों, वीडियो का जो है लिंक भी यहाँ पर दे दिया गया है और मेले का एक चित्र भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर मेला लगा है और बच्चे खूब मज़े कर रहे हैं, आइसक्रीम, चूड़ी वाला, सर्कस आदि आदि चीज़ें। फिर आता है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कक्षा एक के लिए गणित, तृतीय सप्ताह शुक्रवार। आज बच्चे सोमवार को सीखे हुए ऊंचा लंबा के उदाहरणों को अभ्यास पत्र के माध्यम से दोहराएंगे। दिया गया अभ्यास पत्र बच्चे को दिखाएं और संबंधित प्रश्न भी पूछें। यदि बच्चे गलत उत्तर दें तो सही उत्तर के साथ संबंधित स्पष्टीकरण भी करें। सहायता के लिए शिक्षक से भी जुड़ें। अभ्यास पत्र पर दिए गए प्रश्न या तो बच्चों को फ़ोन पर इमेज चित्र के माध्यम से दिखाएँ या फिर इन प्रश्नों को उन्हें पढ़कर सुनाएं। जहाँ लिखने की ज़रूरत हो वहाँ बच्चे को संबंधित सामग्री भी दें। अब देखिए अभ्यास कार्य पत्रक है, सबसे ऊंचा या लंबा, घर या पेड़ कौन सा लंबा, कौन सी मीनार ऊंची है, कौन सी पट्टी लंबी है, कौन सा सांप लंबा है, कौन सी रस्सी सबसे लंबी है, कौन सा लड़का सबसे ऊंचा है, कौन सी लड़की लंबी है, कौन सी रेलगाड़ी लंबी है, यानी आदि आदि इस तरह के प्रश्नोत्तर करना है आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।